बिहार अगर ऐड करेंगे तो 11वां स्टेट हो जाता है। अगर बिहार छोड़ करके बात करूँ तो 10वां स्टेट है मेरा, जो कि मैं साइकिल से अभी तक मैं कवर किया हूँ, अपना साथी लेकर के कवर किया हूँ। यहाँ पे इंडियंस बहुत कम है, सब फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं। रेलवे का ये रेस्टोरेंट है, वहीं पर आया हूँ खाना लेने के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को सूरज बीएल ब्लॉग्स चैनल में, भारत की इस चारधाम यात्रा में, नई नई जगहों पे मेरे साथ। तो एक बार और स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए राज्य में, जो कि है गोवा। तो फिलहाल इस वक्त मैं गोवा में हूँ, ये देख सकते हैं, वेलकम टू गोवा, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये रहा अपना सारथी, और इसके बाद में कर्नाटका, और ये गोवा। तो अभी गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे हूँ, और बहुत ही खुशी मिल रहा है। और ये मेरा 10वां स्टेट है, बिहार अगर ऐड करेंगे तो 11वां स्टेट हो जाता है। अगर बिहार छोड़ करके बात करूँ तो 10वां स्टेट है मेरा, जो कि मैं साइकिल से अभी तक मैं कवर किया हूँ, अपना साथी लेकर के कवर किया हूँ। तो बहुत ही खुशी मिल रहा है, और ये अपना साथी भी बहुत साथ दे रहा है, मुझे बहुत साथ दे रहा है। वेलकम टू गोवा भाई साहब। देखते आज गोवा में कहाँ रुकना है, नहीं रुकना है, लेकिन बहुत ही खुशी मिल रहा है भाई साहब, सही में बहुत ही खुशी मिल रहा है। बाकी आप सब अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए तो पूरा भारत शान मारेंगे साइकिल से ही, है ना। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए, मैं तो इतना ही बोलूँगा बस। आप सब तो मेरा मेहनत तो देख ही रहे हैं, कितना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम एक लाइक, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, चेक पोस्ट है यहाँ पे, गोवा का चेक पोस्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ से मुंबई है 665 किलोमीटर और पणजी है 84 किलोमीटर। तो आज पणजी पहुँचने का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पणजी पहुँच पाते हैं या नहीं। लेकिन रोड सिंगल ही दिख रहा है अभी, अभी आगे अच्छा दिखता है, यानी कि फोर लाइन दिखता है या नहीं पता नहीं, अभी तो टू ही लाइन दिख रहा है। तो आज पणजी पहुंचने का टारगेट रखते हैं, उससे पहले भी एक जगह पे जाना है, देखते हैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, आप सभी को अपडेट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, बस गोवा का चेक पोस्ट है, ये RTO चेक पोस्ट, पोएम गोवा है कि पोलेम गोवा है पता नहीं, अंग्रेजी का तो पता नहीं। अभी 12:16 हो रहा है, और आप सभी को आवाज़ सुनाई दे रहा है। अभी मैं आ गया हूँ अगोंदा बीच पे, यह है अगोंदा बीच, यहाँ पे अभी आया हूँ भाई साहब। बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सुंदर है ये जगह, काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरनर ही दिख रहा है, फॉरनर ही दिख रहा है भाई साहब। यहाँ पे इंडियंस बहुत कम है, सब फॉरनर्स ही दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे आकर के, बहुत ही मजा आ रहा है भाई साहब। और आज मन कर रहा है यहाँ पे भींगने का, यहाँ पे मस्त भींगने का मन कर रहा है आज। ओहो, क्या लहर है, मजा आ रहा है, जो बात है ना, बहुत ही आनंद आ रहा है भाई साहब। उसके बाद में एक अंजुना या ऐसा ही कुछ एक बीच और है, तो वहाँ पे भी जाने का मन है, देखते हैं वहाँ पे भी आज रात में होगा तो वहीं पे स्टे करेंगे, अंजुना बीच ऐसा ही कुछ नाम है। तो यहाँ से 50-52 किलोमीटर है, तो आज वहाँ पे जाकर के रात में स्टे करेंगे, मस्त बीच पे टेंट लगाएंगे और रात को सोएंगे, और सुबह में वहाँ से कल निकलेंगे, ठीक है। तो मस्त आ गया हूँ, भींग रहा हूँ आराम से, आ जाओ भींगा दो मुझे, आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आ जाओ। आ जाओ पेंट ऊपर कर लेता हूँ, बढ़िया जगह है, काफ़ी खूबसूरत है, सही में काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का प्लेस जो है, काफ़ी खूबसूरत है। अभी 5:45 हो रहा है, और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इससे पहले नहीं शूट किया हूँ, क्योंकि जिस रोज़ रात को मैं ब्लॉग एडिट नहीं करता हूँ उसका अगला दिन पूरा बेकार हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कहीं पर भी चैन नहीं रहता, बैठता हूँ एडिट करता हूँ मूड ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये मिले, ये दरभंगा से हैं। और एक भैया है वहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए गए, हाँ बताओ जो केहन लागल था बिहार के लड़का के लिए, बढ़िया लगल के यहाँ पे, तो बिहार बढ़िया लगल है,
तो अपना एरिया का भाई साहब मिल जाता तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में खुशी मिलता है। और ये नारियल पानी पिला रहे हैं, धन्यवाद भैया। तो अभी रुके यहाँ पे, और मनगाँव कितने दूर से? मनगाँव 10 तो मंडगांव आ गए, वहाँ से फिर देखते हैं आगे कितना दूर तक जा पाते हैं। एक भैया यहाँ पे आ गए, हेलो। ये दोनों को ही है, यहाँ पे यहीं पे जॉब करते हैं, ये दोनों को मिले हैं दरभंगा से। कैसा लगा आपको यहाँ पे हमको देख के? बिहार से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलने, गाँव गाँव प्रेम का आदमी मिला है, गाँव घर का आदमी, इससे बढ़िया और खुशी क्या है। वो भी साइकिल से, बहुत बड़ी भाई। मैं समझा इतना, मैं देख के बोर्ड को देख के मैं इधर इधर रुका हूँ एक्चुअली। मैं बोला अरे दरभंगा से, बिहार से। थैंक यू, आप बहुत बहुत सैल्यूट कर लीजिए। अभी रात के 7:41 हो रहा है और मैं हूँ अभी मडगांव में, और ये है मडगांव का रेलवे स्टेशन। तो अभी रेलवे स्टेशन पे ही हूँ, ये अपना सारथी। और इससे पहले एक बार और आया था मैं, यानी कि कुछ देर पहले, यानी कि 10 मिनट पहले इस स्टेशन पे एक भैया के साथ में हम थे। उधर मेन रोड में थे, NH पे थे, तो वहाँ से एक भैया बोले जो चलो एक मतलब स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, मन करे तुम्हारा तो रह जाना यहाँ पे। आप सब देखे होंगे जो इससे पहले मैं स्कूटर का छोटा सा क्लिप डाले हुए थे, तो यहीं पर आए हुए थे देखने के लिए जो कैसा नहीं है। तो इधर रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं मस्त, इधर भी कहीं पर भी जा कर रख सक मतलब कहीं पर भी जा कर रह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा जगह है और बहुत बड़ा स्टेशन है भाई साहब, सही में बहुत बड़ा, मतलब बोले तो बहुत बड़ा जगह है। पार्किंग देख रहा हूँ इधर से लेकर उधर कितना दूर है पार्किंग, बहुत बड़ा है ये मडगांव का रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। रेलवे का ये रेस्टोरेंट है, वहीं पर आया हूँ खाना लेने के लिए। तो 4 पराठा लिया हूँ, इसमें 40 रुपये लिया है, लेकिन साथ में कुछ नहीं देगा, तो मेरे पास में है कुछ जिसके साथ में मैं खा लूँगा। ये रहा अपना सारथी यहाँ पे, ये रहा दिख रहा है ना, तो यहीं पे हूँ अभी जस्ट। हाँ मोड़ दियो, मोड़ दियो, हाँ साइकिल से आए हैं, देख रहे हैं ना साइकिल वहाँ पे, बिहार से। हाँ तो बिहार से, हाँ बिहार में कहाँ से? हाँ? बिहार में कहाँ से? कसेर, कसेर, कसेर भगवानपुर, बबुआ पटना के तरफ में। हाँ। अच्छा अच्छा हाजीपुर। हाँ। हमें मधुबनी से। हाँ तो अभी रात के 9:35 हो रहा है और अपना सारथी लेकर के आ गया हूँ यहाँ पे, और जाता हूँ अंदर में लगा लेता हूँ टेंट, ठीक है। अभी मडगांव में आप सभी को बताए हुए थे मडगांव, और ये वही का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से कल निकलूँगा पुणे के लिए, ठीक है। कल गोवा छोड़ देंगे यहाँ से, मतलब कल महाराष्ट्र में घुस जाएंगे और एक नया राज्य में। बहुत ही खुशी मिल रहा है भाई साहब, जहाँ सोच भी नहीं सकते थे कभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, वो भी साइकिल से। हालांकि मैं मुंबई एक बार आ चुका हूँ बहुत पहले, जिस समय में मैं बेंगलुरु आया था उसी समय में मुंबई भी आया, मुंबई से पहले मुंबई आया था उसके बाद में बेंगलुरु गया था। तो अभी आया हूँ यहाँ पर और देखते हैं कल कब तक पहुँचते हैं महाराष्ट्र में, एंट्री करते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, और कहीं बीच पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। एक बीच पे घूमे, हमेशा तो बीच ही बीच देख रहा हूँ ना मैं पूरा बीच, जब से उड़ीसा से आया मतलब पूरी बीच पे गए थे, यानी कि जगन्नाथ उड़ीसा में, तब से बीच ही बीच मिल रहा है, हर जगह बीच ही बीच मिल रहा है। तो अपन का मन भर गया पूरा बीच देख देख करके, तो अभी दूसरा जगह प्लान करते हैं। तो अभी मंडगांव में, और देखते हैं कल कहाँ से होकर निकलते हैं, पणजी होकर के निकलते हैं ना, इधर से ही रास्ता गया है एक, इधर से ही निकलते हैं, देखते हैं क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, 5 या 6 मिनट का शायद बना होगा, मानता हूँ जिस हिसाब से मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, सबको सपोर्ट करना होगा, मुझे सपोर्ट करिए। और अगर ब्लॉग देख रहे हैं आप लोग तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए, तो अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। आप सबका साथ चाहिए, प्यार तो मिल ही रहा है, साथ भी चाहिए आप सबका। देख तो रहे हैं आप सब जो कितना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, आसान नहीं है चलाना इनको। बहुत पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ रहा है इतना, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा है यहाँ तक कैसे आ गया हूँ मैं भाई साहब। जब मैप खोलता हूँ, मैप देखता हूँ मेरा घर किधर है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, आश्चर्य लगता है जब मैं मैप खोलता हूँ तब।
आज मैं गोवा से अपना घर का लोकेशन डाला हुआ था तो 2624 ऐसा ही कुछ आया था, 2600 किलोमीटर दिखा रहा था मेरा घर, जो कि पूरा शॉर्टकट दिखा रहा था यहाँ से गोवा से मेरा घर 2600 किलोमीटर दिखा रहा था। लेकिन मैं आया था ऐसे घूम घाम करके आया हूँ ना, पूरा ऐसे घूम करके आया हूँ, तो 5000 से ज़्यादा हो गया होगा। मैं पुणे पहुँचता हूँ तब, पुणे में पहुँचेंगे पुणे तब शायद कैलकुलेट करेंगे जो कितना डिस्टेंस कवर किया हूँ, ठीक है। लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा ये मैं कन्फर्म होकर के बता रहा हूँ आप सभी को। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यही सब था। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रोजाना ब्लॉग देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए।